सर्विस रोड है, इधर ऑपरेशन बनता ही नहीं। ये बहुत फ्रॉडी है, लोग पैसे खाते हैं। मैं इस डिपार्टमेंट में पर्चा करवाना चाह रहा हूँ। आराम खा रहे, मैंने सारा पता है, तू भी बंदा बन। हमने ऑपरेशन करवाया, उठाया जाके 1000 2000 लियाओ जी, उनका बारो बार निकलो। एक काम मैं नहीं हूँ उधर, मैं जाके फाइल हुआ। मुझे क्यों? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। मेरे को लोग तुसाना, अपनी इज्जत करानी है, जी करना है, जी कराना है। आप देख सकते हैं एंटी एनक्रोचमेंट का यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है और कुछ रेडियाँ वगैरह इनकी जानिब से उठाई गई हैं। हम बात करते हैं कि किस तर्ज का ये ऑपरेशन है और किन किन लोगों की यहाँ से रेडियाँ उठाई जा रही हैं। 75% करप्शन है, ये बहुत फ्रॉडी है, लोग पैसे खाते हैं, अड्डे उठाते हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी के पास कंप्लेन की हुई है उनके ऊपर। मैं इस डिपार्टमेंट में पर्चा करवाना चाह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ सारा कुछ जो हो रहा है इन पे, बिल्कुल FIR होगी। ये मंथली लेते हैं, जो बंदा मंथली नहीं दे रहा आकर डरा के पैसे आपसे मांगे मंथली। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे पास रिकॉर्ड है सारा भाई। मैं दुकानदार हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं देखता हूँ अगर गरीब आदमी को काम कर रहा है। ये सर्विस रोड है, इधर ऑपरेशन बनता ही नहीं, सर्विस रोड पे ऑपरेशन नहीं बनता। आप कह रहे थे कि ये सारे FIR क्यों नहीं दे रहे, अभी कह रहे हैं सर्विस रोड पे ऑपरेशन नहीं बन रहा। एक जुबान ही नहीं है इनकी, जुबान नहीं, जो आराम खा रहे, मैंने सारा पता है, तू भी बंदा बन। चले बात आराम से होगी तो नहीं, झगड़ा करना मकसद ही नहीं हमारा। देखेंगे झगड़ा तू किसे गलत फहमी सर, काबिले एहतराम आप भी हैं, आप भी हैं। हमने ऑपरेशन करवाया, उठाया जाके 1000 2000 लियाओ जी, उनका बारो बार निकलो। एक काम मैं नहीं हूँ उधर, मैं उत्ते तक हाई लेवल तक मेरी पावर है, मैं छड़ना नहीं। मैं दसागा मेरी शक्ल पछाण बड़ा दखा, मैं कहना सैयद है, मैं अच्छी तरह गल कर, प्यार ना गल कर, तेन तरीका ही नहीं गा। जेडे लेंदे नहीं उन्होंने जाके फाइल लवा, गाली नहीं निकालनी चाहिए। मुझे क्यों? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। सुनो, 7-7 बच्चे ने भुखे मरन दे, बच्चे 7-7 ने पलने से अगले उत्थे ठेली लाई, ओदे पीछे चढ़ जाएंगे, वो गलियां च वड़दे फिरदे ने। या तो मैरिट से गल करन, मैरिट कोई मैं दसांगा मैं कौन, मैं पर्चे नहीं। अच्छा मुझे सवाल तो करने दे यार, सुन ले। मैं ये सर आपने किया ऑपरेशन, ये रेडियां वगैरह उठाई हैं, कहाँ से उठाते आ रहे हैं? और इनको पहले आपने तो यहीं पे उठाई हैं, यहाँ पे शिकायत सी मैकडोनल्ड के आगे, इधर से उठाई है हमने। ये जितनी खड़ी लगी थी सारी उठा ली। अभी ये 5 मिनट पहले कह रहे थे कि ये इन पे FIR, इनको छोड़े। अब इसका तरीका मेरे भाई, आप भी बड़े गर्म है, आप भी बड़े गर्म है। FIR का मेरे पास नहीं है, वो जाए इन्फोर्समेंट से जाके बात करें। अभी वो बंदे इकट्ठे हो गए हैं, माड़े बंदे हो गए ने, उन्हें तू कह रहा है इन्हां दे पर्चे दिओ। तू कह रहे हैं सर्विस रोड ते सारे ते पर्चे दिओ। यार मेरे आपने पैसे मांगे हैं जी, आपने पैसे मांगे, मैंने क्यों इससे पैसे मांगने हैं? तो कौन लेता है? उठे जाके पैसे लेंगे, जो चुकना अगले। वो तो जुर्माना है ना, सरकारी जुर्माना है लगे ने, वो तो सरकारी जुर्माना है। अगर जुर्माना होवे पर्ची कटी जाए, मोर लगे उनका पाई जी, कोई चक्कर नहीं, अंदर बैठने पर्ची काटी जाए। बाबा जी सारा ही फ्रॉड है। चले वहाँ पे चलें किसी दिन, चले मेरा नंबर लिखे, मुझे बुलाए, मैं अपने साथ बंदे लेकर आऊंगा, उधर चले। लिखे नंबर मेरा, क्या होता है इनके, ये आईडी देते हैं, आईडी देने के बाद फॉर्म फिल होता है। सुन ले पहले, अच्छा मेरी भी सुन। आईडी देने के बाद फॉर्म फिल होता है, उसके बाद ये इनका बैंक में चलान जो है वो पैसे वाला चलान दर्ज होता है, उसके बाद इनको सामान मिलता है। अगर ये चीज़ ना होती तो हमारे टाउन का नंबर 1 पे टारगेट है गुलबर्ग टाउन का। आप DC साहबा से जाके इंटरव्यू करें कि किस टाउन का कितना टारगेट है। अगर हमारा ऐसा होता ना मेरे भाई, तो हमारा टारगेट पूरा ना होता। अच्छा ये जो शिकवा कर रहे हैं, ये बहुत से गरीब लोगों का है। बात सुन ले मुझे कि हम गरीब लोग हैं, रेडी वाले हमारे रेडी उठा लेते हैं। मुझे ये 5 मिनट पहले ये कह रहे हैं कि आप ये पर्चे क्यों नहीं देते इन पे, आप दुकानदारों पे पर्चे दें। मैं तो अपनी CID ले रहा था, वो क्या रहा है सुने, चीफ नहीं है, CID चीफ बने हैं। पहले पर्चे कह रहे जी, पहले पर्चे कह रहे, हुण बंदे आ गए ने, ग्राम आवाम आ गई है ते हुण के जी असीं इंज कर। यार तेरे बंदे ने तू इन्हां नूं कह ना फड़ लैण मैनूं। नहीं आप सरकारी काम कर रहे हैं, आपको क्यों पकड़ना? फिर एक ही गल करदा पिया, ओ बाबा तू मैनूं नहीं फड़ सकदा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सर आवाम पकड़ भी सकती है वैसे ये। नहीं ये क्यों पकड़ेगा? नहीं, नहीं, पकड़ना नहीं। आपने है पकड़ना मुझे उसने है जो मैं जिससे ज्यादती कर रहा हूँ और उनकी चीजें उठा रहा हूँ। आपने इल्जाम लगाया वैसे उन पर पैसा नहीं है। मैं कन्फर्म करूंगा ना, आप मेरा नंबर लेके मेरे साथ मीडिया जाए, मैं सबूत दूंगा। आपने कन्फर्म। सर ये इसका लाया अमल क्या होगा कि कैसे मिलेंगे? ये मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे कल, उधर से जुर्माना होगा, उसके बाद मिलेगा। तो इतने की तो रेडी नहीं जितना जुर्माना हो जाएगा। ये है क्या? ये फार्म के ऊपर लिखा जाता है क्या चीज़ है, एक मिनट, फार्म के ऊपर लिखा जाता है ये रेडी है काउंटर है, उस हिसाब से जुर्माना होता है। ये नहीं होता कि रेडी को 5,000 हो जाए वो गरीब बंदा दे ना सके, ऐसे नहीं होता। वो चीज़ के मुताबिक होता है जुर्माना, समझिए उसके मुताबिक होगा। अच्छा अब आप चलेंगे मेरे साथ? ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी। थोड़े रुके, ये कितनी आवाम खड़ी है, ये बताएंगे ऑपरेशन हो गया चला गया, कल फिर आ रहे सामान, कल फिर ऑपरेशन होएगा। नहीं स्टेप बाय स्टेप होएगा, एक ट्रक डेली होता रहेगा। मेरी बात सुने, एक ट्रक 4 बंदे, मैंने जितना सामान इसमें गुंजाइश है और की मुझे बता इसमें 2 को आ सकते क्या, कहाँ आ सकते, कोने में इस तरह ही घुसा रेडी नहीं आ सकती। ये पूरी फिल हो गई है गाड़ी, इस पर गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे फिर करेंगे। सर इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता? रेडी टूटेगी भी वो क्या होगा? गल सुन लो, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਰਾਣਾ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋ ਛੋੜੇ, ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਤੋ ਕਰੇ ਨਾ ਬਾਤ ਜੀ। मीडिया से मैं आपसे भी कर रहा हूँ, इनसे भी कर रहा हूँ। वो तो आपका जाती हो गया ना, इसका बताएं करना है। इसका तो ये जा रहा है स्टोर पे, ये कल दोबारा आएगा फिर उठाया जाएगा। नहीं यह स्टेप बाय स्टेप होगा, आज इधर आया है आगे फिर इससे आगे स्टार्ट होगा। ऐसी लिंक रोड पे सारा स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, तो ये जो गरीब कहते हैं हमारे रेडी तोड़ के दे दी, जुर्माना भी दे दिया, कोई इसका और हल नहीं हो सकता? टूटती नहीं है, टूटती नहीं। ये तो देखें जी, ये तो गवर्नमेंट ने लाए अमल मिलाना है कि इनकी मौके पे अगर रसीद काट दे तो, क्योंकि हमने नहीं कर सकते, हम इनका मौके पे कोई चलान नहीं कर सकते ना इनसे मौके का जुर्माना। लोग बड़े परेशान हैं, देखिए सारी दुनिया परेशान है, लेकिन हम भी मजबूर हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हमने भी तो कुछ कर। इनको माफ़ी नहीं मिलती, जो शिकायत होती है उसकी माफ़ी नहीं, जो सीएम पोर्टल की शिकायत होती है। ये मैकडॉनल्ड से हुई है जी? नहीं मैं पता नहीं किससे हुई, लेकिन मैकडॉनल्ड के सामने फ्रंट की हुई है। वो जो होती है उसका प्रॉपर हाल होता है, उसको चीज़ उठानी होती है, फिर उसका दंड जुर्माना होता है, उसकी तस्वीरें साथ लगती हैं, फिर वो सीएम पोर्टल की शिकायत जो हल होती है, समझिए ऐसे नहीं होती। तो नाजरीन यहाँ पर मॉडल टाउन लिंक रोड में आप ये देख रहे हैं एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है बड़े ज़ोरों शोर से, और कुछ यहाँ पर गर्मी सर्दी भी हुई। लेकिन इसमें पैगाम यह है कि जो बेचारे रेडीबान हैं, रेडी पर अपना सौदा सलफ बेचकर रिस्के हलाल कमाते हैं, उनके लिए बड़ी दुश्वारी है ये कि उनका जब कारोबार का छोटा सा एक ज़रिया, एक रेडी या एक ठेला उठा लिया जाता है और फिर जुर्माना अदा करने की भी उनके पास क़ुव्वत नहीं होती, तो वो हुकूमत को लेकर भी, इंतज़ामिया को लेकर भी जो आहें भरते हैं वो यकीनी तौर पर फिर बहुत सख्त होती हैं, बहुत भारी होती हैं। रुखसार मीर को दें, कैपिटल TV से। याद दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।